नमस्कार दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज जिसका एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था और दोस्तों अगले दो मुकाबलों को भी अब रद्द कर दिया गया है। दोस्तों इस समय भारत में कोरोना वायरस का खौफ चल रहा है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस के अटैक में यहाँ पर कई स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पर रद्द हो चुके हैं और दोस्तों उनमें से अब IPL और भारत साउथ अफ्रीका की सीरीज भी शामिल हैं। दोस्तों आज ही दोपहर को IPL को भी 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया, वहीं पर दोस्तों अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बचे हुए दोनों मुकाबलों को भी रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये मुकाबले अब फिर कब खेले जाएंगे और साथ ही दोस्तों अब हमें क्रिकेट के मुकाबले एक बार फिर मैदान में कब देखने का मौका मिलेगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों कोरोना वायरस इस समय काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और दोस्तों इन्होंने भारत में भी अपने पैर पसार दिए हैं और दोस्तों बात करें इसका सीधा असर तो खेल के यहाँ पर खिलाड़ियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय कई ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स थे जो रद्द कर दिए गए हैं और या फिर उन्हें स्थगित कर दिया गया है। तो कोरोना वायरस का कोप सीधे तौर पर यहाँ पर क्रिकेट पर भी अपना असर डाल चुका है। इससे पहले फुटबॉल के भी कई बड़ी बड़ी लीगें यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं, लेकिन दोस्तों अब क्रिकेट के ऊपर भी इसका साया मंडराने लगा है। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज रद्द हो चुकी है और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे सीरीज के दोनों मुकाबले भी अब रद्द हो चुके हैं और साथ ही दोस्तों IPL की भी तारीखें आगे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर क्रिकेट ठप लग रहा है इस समय और साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के रिचर्डसन में भी कोरोना वायरस के सैंपल पाए गए हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें इस समय क्रिकेट के ऊपर, तो इस समय कोरोना वायरस का पूरा खौफ चल रहा है और अब उम्मीद है दोस्तों कि क्रिकेट का मुकाबले लगभग एक महीने तक बंद रहने वाले हैं। तब तक कोरोना वायरस का पूरे तरीके से हल नहीं मिल जाएगा तब तक हमें क्रिकेट के मुकाबले नहीं देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ तक बात करें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इन दोनों मुकाबलों की, तो दोनों मुकाबले रद्द कर दिए गए हैं और अब ये सीरीज इस समय नहीं खेली जाएगी और ना ही बाद में खेली जाएगी, यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी अब वापस दक्षिणी अफ्रीका लौटने वाले हैं और दोस्तों ये सीरीज रद्द कर दी गई है। वहीं पर बात करें दोस्तों भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम भी अब अगले एक महीने तक हमें कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट खेलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों अब कोई मुकाबला नहीं होगा जब तक कि कोरोना वायरस का एक कोप कम नहीं हो जाता है। तो दोस्तों अब हमें इंतज़ार करना होगा कोरोना वायरस के ख़त्म होने का और इसके बाद ही हम IPL में खिलाड़ियों को खेलते हुए देखेंगे, इससे पहले कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं होगा। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या मुकाबले रद्द करने चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।